बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही छोटी सी टिप शेयर करने जा रही हूँ। वो है कि हम लोग धनिया और पुदीना घर में किस तरह दो चार दिन के लिए सेव कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ तो वो टिप जो है वो शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने एक बंच जो है वो धनिए का लिया है और एक बंच जो है मैंने पुदीने का लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टिश्यू पेपर की मदद से इनको ऊपर से फ़ोल्ड करते हुए हम लोग नीचे तक आएंगे और इसको मुकम्मल फ़ोल्ड कर देंगे। इसको पूरा टिश्यू पेपर के साथ रोल कर देंगे। ये देखिए, ये हम लोगों ने एक धनिया की गड्डी ली और इसको हम लोग ऊपर की साइड से रोल करते हुए आएंगे और नीचे तक जो है वो हम लोग इसको रोल कर लेंगे। मैंने ना तो धनिया धोया है और ना ही इसको मैंने इसकी जो है वो रिबिन खोला है। ये बिल्कुल जैसा था वैसे का वैसा ही मैंने इसे रोल कर दिया। जहाँ से टिश्यू पेपर रह जाए हम लोग उससे अलग से लगाकर और इसको रबर बैंड की मदद से बिल्कुल पैक कर देंगे। इसी तरह मैंने पुदीना लिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पुदीने के पत्ते, क्योंकि पुदीना मिजाजन जो है वो नाजुक होता है, तो अगर हमारे कोई भी पत्ते पुदीने के नरम या गले में हो तो हम लोग पहले ही इसको अलग कर देंगे। और अलग करने के बाद या तो एक इसका तरीका यह है कि हम लोग इसके पुदीने के सारे पत्तों को अलग कर दें, अलग करने के बाद इसको टिश्यू पेपर में रोल कर दें। और दूसरा तरीका यह है कि हम लोग इसको टिश्यू पेपर की मदद से पूरा ऊपर से रोल करते हुए आएँ और नीचे तक आ जाएँ और ये हम लोग इसको रबड़ बैंड की मदद से पैक कर दें। ये देखें, ये हमारी दो धनिया की और एक पुदीने की जो थी गड्डी थी वो हम लोगों ने इसको पैक कर दी। ये तकरीबन 2 से 3 दिन तक बिल्कुल सही रहेंगे, लेकिन अगर कोई पुदीने का पत्ता या धनिया के पत्ते ख़राब होंगे तो वो दूसरे धनिया या पुदीने को ख़राब कर देंगे। इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो ख़राब जो होंगे वो हम लोगों ने पत्ते अलग कर देने हैं और सही वालों को हम लोगों ने इस तरह रोल करके रखना है। तो ये हमारे आराम से सिर्फ 2 से 3 दिन ही चलते हैं, 2-3 दिन 4 दिन चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। 4 दिन तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना तो एक ही दिन में हमारा जो धनिया है वो मुरझा जाता है। तो इस तरह करने से हमारे 3-4 दिन आराम से निकल जाते हैं, इससे ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3-4 दिन तक ये बहुत सही रहेंगे। तो आप लोग भी इसको इस तरह यूज़ करिएगा, आप लोगों को भी ये टिप अच्छी लगेगी और यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अगर ये रेसिपी और ये टिप यूज़ की तो आप लोगों के साथ कैसा हुआ, आप लोगों के धनिया पुदीना ठीक रहा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।